एपीटीवी भारत आवाज देश की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राज्य मंत्री कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार को महापड़ाव की चेतावनी देते हुए दो दिन के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों के बैनर तले कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार के साथ हम 4 साल से बातचीत के जरिए संघर्षरत हैं, मगर राज्य सरकार ने हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले भी राज्य सरकार ने कमेटी गठित की थी, मगर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी राज्य सरकार हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में जयपुर में पूरे राजस्थान के कर्मचारी महापड़ाव डालकर अपनी मांगे राज्य सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। राजस्थान राज्य मंत्री कर्मचारी महासंघ की ओर से विगत 4 वर्षों से हम संघर्षरत हैं हमारी मांगे मनवाने के लिए। सरकार ने बार बार हमें आश्वासन दिया था कि हम वो हमारी मांगे मानने के, इसके लिए सरकार ने और इस सोलंकी समिति कमेटी गठन किया था। एपीटीवी भारत के लिए झुंझुनू से नीरज सैनी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।